पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है या फिर इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, क्या लगता है क्या आपको? पाकिस्तान, ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? सर ये नॉलेज की, हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा, क्या है? लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अच्छा, जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया में भी, वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना तो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, अगर स्टूडेंट है तो मेरा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के एक स्टूडेंट से पत्रकार ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान में कौन तरक्की कर रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। लड़के ने कहा कि पाकिस्तान है। अब ये बात बगल में खड़े चाचा सुन लेते हैं, उसके बाद में उसकी क्लास वहीं पर लगा देते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वीडियो है डेली स्वैग का। पैसे या पावर के लिहाज से आज के टाइम के अंदर ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कौन कर रहा, क्या लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है या फिर इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है, क्या लगता है क्या आपको? पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है। किस हवाले से पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा, जबरदस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बात सुनिएगा। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? सर ये नॉलेज की, हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा, क्या है? लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अच्छा, जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करना तो निकाल रहे हैं। अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, अगर स्टूडेंट है तो मेरा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। इनसे एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की, इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं नाइन्थ में, पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं। चौथी पांचवी का बच्चा भी है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त, इंडिया जो है सरफहरिस्त है, और उसका वो डायरेक्टर है IMF। IMF के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनअती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो? यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो मियार है ना वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये मियार खराब है। उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं जनरल उस्ताद। ये दो नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ, जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का मियार देखे, जुडिशरी और CSS से ज्यादा सख्त है। नॉलेज को अपने प्रूफ स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी, सब बकवास, इसमें इलम नहीं है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इलम नहीं आता? वो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारे ये उसकी अभी 5 साल पहले ये गूगल हुई है, उसको छोड़े आप, इसमें शादी का क्या ताल्लुक है? गंदी फिल्मों की बातें कर रहे हैं ना। गूगल ने अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। स्टडी है नहीं और दूसरों पे अटैक। हाँ जी बिल्कुल सही बात, ठीक है। अभी इंडिया का एक बता दिया है। हाँ जी सही बात है, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ, मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज्यादा हर चीज के लिए। पावरफुल है बताएं, किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया? अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और गंदे ये लॉजिकल बात, ये बिल्कुल इन लेवल बात है। शादी हो गई,
बच्चे पैदा हो गए या मर गए। बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ज्यादा आबादी। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिस तरह आप उर्दू बोल रहे हैं उसे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज या ग्रामर का टेंस नहीं पता होगा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ घूमने फिरने के लिए, जाता हूँ कई मुल्कों में किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बोले तो अभी दफ्तर मेरा पासपोर्ट पड़ा, ला के चेक करा देता हूँ। बिल्कुल आप यार बात देखो अंकल, आप ही रुके जरा एक मिनट रुके, हम एक मिनट बस चले जाइएगा। जो ना बड़े, जो बड़े होते हैं ना बड़े, जब आपको तंज भी करे ना, समझ लो कि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी जी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट है, आप कह रहे हो कि शादी नहीं की। बेसिक एजुकेशन मैट्रिक थी ठीक है, किसी कॉन्वेंट स्कूल के भी नहीं, एसएम नहीं, थर्ड डिवीजन का तो नहीं मुझे पता है, एसएम लॉ कॉलेज कराची से ठीक है, सिंध मदरसतुल इस्लाम, ये भी आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपने कायदे आज़म की भी नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पढ़ी होगी ठीक है, और बार एट लॉ लिंकन इन्स लंदन से किया था। सही बात है, लिंकन इन्स में बारेट लॉ करने के लिए जो मेरिट है ना वो आप तस्वर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला इदारा है। सर हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? सर शौक नहीं है लोगों को, इलम शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है, आप इलम खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, $4 trillion की जीडीपी उनकी। इंडिया का अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना वो अमेरिका बरतानिया ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में अमेरिका में 3-4 crore रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लोग में लाख में करा के आते हैं ठीक है। यहाँ पर टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं, बता रहे हैं हकीकत। हकीकत जमीन अल्लाह की है, ये दरख्त ये कह रहे वो रियलिटी बता रहे हैं मुझे। मुल्क नहीं मुल्क होता है, लैंग्वेज सही यूज करें, मुल्क नहीं मुल्क होता है ठीक है। यकीन करो ऐसे टीचर आपको मिल गए ना आप तर के समझ लो। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर से पढ़ा हूँ, आधे से ज्यादा टीचर जैसे यूरोपियंस थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। इंडिया के $17 अरब नहीं नहीं मैं स्कूल में गोरा टीचर कोई नहीं है, क्योंकि ये भुट्टो ने और ज़ियाउलक की जो पॉलिसी थी ना, जो यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों में जो गोरे पढ़ाते थे वो सब जा चुके थे। हिस्ट्री भी नहीं पता होगी सर, हम ये कहते हैं सारे चंगे हम जीते हैं। था। जो भाई साहब थे, जो नॉलेज थी, एजेड भाई साहब थे, ओल्डर भाई साहब थे, ही वाज इंटेलिजेंट गाय, पढ़े लिखे लग रहे थे, उनकी बातचीत का बोलने का जब वो बोल रहे थे, इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे थे, उससे पता चल रहा था कि ही इज एजुकेटेड। और वो दूसरा जो लड़का था एक नंबर का, निखेद लफंटू लग रहा था, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको मतलब उसको जैसे बोले ना मुलक मुलक, मुल्क क्यों नहीं बोलते यार। तो उन्होंने करेक्ट किया, तुमको ठीक बोलना तो आता नहीं, तुमको क्या बताएं। और क्यों हो रहा है ये हाल? क्योंकि इनके जो पॉलिटिशियंस थे, जो बता रहे जिन्ना मिन्ना पता नहीं किसके नाम ले रहे थे, जो अच्छे टीचर्स थे जो बाहर के देश से आए हुए थे, वो कह रहे उन सबको उन्होंने एग्जैक्टली पता नहीं, मगर जियाउल हक हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई इनके लोग आए थे जिन्होंने रिलीजन का इंक्रीज करने की सोची कि बहुत ज्यादा रिलीजन इंक्रीज करेंगे तो हमारे देश को फायदा होगा, एंटी इंडिया जाएंगे। उनको ये नहीं पता इतना ज्यादा रिलीजन इंक्रीज कर दिया कि सब कुछ और डाउन हो गया और उनका माइंड जो है पूरा रिलीजियस हो गया, उससे होल कंट्री वेंट डाउन, उससे ये नतीजा, ये जो लड़का दिख रहा है ना वो नतीजा। बात है भाई, बहुत अच्छी वीडियो थी, क्योंकि भाई ने जैसे एक स्टार्ट किया था ना, हमने सोचा पता नहीं अब ये कहां से कहां इंडिया को लेकर पहुंचाएगा। लेकिन एक भला मुजम्मल भाई का, उन्होंने बोले लोगों को बुला लिया कि आप इधर हमारे पास आ जाए, और चाचा ने यकीन माने ऐसे लिताड़ा छितर उतार कर ऐसे उनके सर में मारे हैं इस बंदे के, जब उसने बोला ना मुलक मुलक बोला है कैसे करके तो यार वो लौरी था, ऐसे ही लौरी लौड़े जाने वो लौड़ वाला नहीं, आपने सुना वो भी ज्यादा पता नहीं, ये पौन रखते हैं कि क्या रखते हैं, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है, सही ऐसे बोलते तब ही ऐसे ही। लेकिन उन्होंने एक रियलिटी बताई है, एक बंदा और भी आ गया था, अगर वो ना मानते तो उस बंदे ने आकर ऊपर से और थोड़ी उनको चीजें बताई है कि आप इंडिया के साथ कभी भी कंपेरिजन मत करिए, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, IIT में आ जाए या किसी एक डॉक्टर वाली, जब उन्होंने एक डॉक्टर का बताया ना
यार चाचे ने तो मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया है बल्ले चाचा, ये तो धोती खोल रहा है। चाचे ने तो धोती क्या सारा कुछ खोल दिया है, चड्डी तक उतार दी है उस बेचारे की, और वो इतना अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहा है और अपने कंट्री को जो है वो समझ रहा है कि हम सबसे ऊपर हैं, बात को मान नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है, आपकी शादी नहीं रही है, इसको शादी का क्या तल्लक है यार, खुदा का नाम है, जात याद पे आ जाते हैं आप, जो वो सवाल कर रहा है उनके जवाब दो बस, नहीं है जवाब तो बूथा बंद करके उनका सुन लो फिर, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या मुल्क के बारे में कहना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमारा मुल्क जो है वो खराब हो जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क पढ़े लिखे तरक्की करे और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आए, वो ये चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि नॉलेज आए, नॉलेज किसी के पास नहीं है, हमें वही मशहूर लूम पढ़ाई जाती है जिसमें जखायर बहुत ज्यादा होते हैं, तो वही एक मिसाल जो पहले भी एक वीडियो में दी थी कि अगर किसी के घर में गैस नहीं आ रही तो मशहूर लूम की बुक से जो है वो गैस की पाइप लगा ले, बिल्कुल उसमें वफ्त मकदार में जखायर है,